तो आइए दोस्तों चलते हैं आज सीआई पर और देखते हैं सीआई के टाइप। दोस्तों एक क्वेश्चन होगा और तीन टाइप होंगे और जो एग्जाम में आते हैं टाइप वो टोटल टाइप आपको कवर कराए जाएंगे। तीन टाइप से आप सीआई का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें मेथड को समझना है बहुत ही बारीकी से। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, तभी आपको कुछ मिलेगा इसमें वीडियो में। तो देखते हैं चार एयर पर दो वर्षों का 10% का वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसके तीन मेथड बताऊंगा आपको मैं, वैसे इसको और भी मेथड हैं पर तीन मेथड एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और मैं यही बताऊंगा आपको कि ये मेथड आपको कब और कब कब और कहाँ लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन हमारा सीआई का, तो फ्रैक्शन, ट्री और रेशियो, ये मेथड आपको कब यूज करना है, फ्रैक्शन कब लगाना है, ट्री कब लगाना है और रेशियो कब लगाना है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, आइए चलते हैं फ्रैक्शन मेथड पर। पहले देखते हैं फ्रैक्शन मेथड क्या होगा। दोस्तों करना क्या है हमें ये दर दे रखी, दर को उठाना है 10%। अब आपको पता ही होगा कि परसेंट मतलब 100 होता है, तो हम करेंगे क्या 10/100 कर देंगे और इसको हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 0 0 किया 1/10। अब दोस्तों आपको ऊपर वाला जो मिल रहा है वो ब्याज है और नीचे वाला हमारा क्या मूलधन है, तो ब्याज और मूलधन को जोड़ा जाए तो मिश्रधन होगा और हमारा अनुपात बनेगा मूलधन और मिश्रधन, आपको लिख देना है वहाँ पर केवल शॉर्ट में, और 10 और हमारा मूलधन कितना 10 है और हमारा मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन में ब्याज और मूलधन प्लस होता है। तो करना क्या, ब्याज को जो ऊपर आया हमारा ब्याज है और नीचे हमारा मूलधन है, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, कितना 11 हो गया। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, जितना हमारा वर्ष है, दो वर्ष बोले, तीन वर्ष बोले, चार वर्ष बोले, और कर देना उसका ऊपर घात। इतना काम करने के बाद आपको करना है इसका खोलना है, इसे 100 हो गया और 11 के बाद 121 हो गया। अब दोस्तों सवाल में चाहे आपको मूलधन दे रखा हो चाहे मिशन दे रखा हो तो आप उससे कंपेयर कर देंगे। ये मेथड जब ही लगाएंगे जब सवाल में मूलधन और मिशन दे रखा हो और वो ब्याज बूझे, तो ये मेथड बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसमें मूलधन, तो मूलधन हमारे ये 100 है तो 100 से कर देंगे तुलना, कितना 4000, 2 0 से 2 100 बराबर लिख देंगे यहाँ पर। जब एग्जाम करेंगे तो आप जल्दी काट देंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप यहाँ कर रहा हूँ, 2 0 2 0 गया, 1 बराबर दोस्तों 40 आ गया, 1 का मान 40 आ गया। अब देखिए आप मूलधन हमारा 100 है और जो मिश्रधन कितना हमारा 121 है। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर ब्याज कितना मिला हमें, 100 से 121 हो रहा है तो मतलब 21 रुपये हमारा ब्याज मिला। तो देखते हैं दोस्तों 1 का मान हमारा 40 है तो 21 का मान कितना होगा, तो देखते हैं 1 का मान 40 तो 21 का मान 40 गुणा 21 कर दीजिए गुणा, आप जीरो लगाइए, 4 × 4 = 8, 840। तो दोस्तों दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 840 होगा, ये हमारा फ्रैक्शन मेथड था। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्री मेथड इसका, और ट्री मेथड भी हमारा वो सबसे ही ज़बरदस्त मेथड हमारा जो हमारा ट्री मेथड है वो बहुत ही शानदार है। उससे क्या होगा, जब एग्जाम में पूछे यार तीन वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे और पूछे कि अंतिम दो वर्षों का क्या होगा या अंतिम एक वर्ष का क्या होगा, अंतिम लास्ट वर्ष का क्या होगा, तो ये मेथड बहुत ही कारगर हो सिद्ध होगा हमारे लिए। तो देखते हैं दोस्तों ये मेथड आपको समझ गया होगा, अगर आपको नहीं समझा एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिए और इसे देखिए। नेक्स्ट मेथड पर देख लेते हैं ये वाला, अब चर्चा करेंगे हम ट्री मेथड की। तो आइए दोस्तों ट्री मेथड देखते हैं, करना क्या है आपको, मूलधन लिखना है आपको और 10% मतलब 4000 का 10% आपको निकाल लेना है, 1/10 कर देंगे और काट देंगे 4000 का 10%, और आपको जितना वर्ष पूछ गया उतनी लाइन पहले हम खींचनी है। तो पहले वर्ष कितना होगा हमारा, काट दो सॉरी 4000 यहाँ पर 1 0 से 1 एक वर्ष का मतलब पहले वर्ष का जो हमारा सिंपल साधारण ब्याज आएगा वो 400 आएगा और दूसरे वर्ष कितना आएगा 400 आएगा, 4000 पे 10% से एक वर्ष का साधारण ब्याज 400 होगा और दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 400 होगा। तो करना क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है, कुछ नहीं होता, ब्याज पे ब्याज होता है। अब ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, अब हमें ब्याज पे ब्याज निकालना है। तो दोस्तों ये तो हमारा लास्ट में चला जाएगा, अब इस पर 400 हमें ब्याज मिलेगा ना मिलेगा, वो कितना मिलेगा उसका भी 1/10। अब 400 का 1/10 निकालना है आपको, काट दीजिए आप कितना 40 रुपये, और 40 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों करना क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कुल ब्याज है, अब आप इसे जोड़ दीजिए 400 400 800 और 840
दोस्तों ये भी कितना आया 840, जैसे हमने फ्रैक्शन मेथड निकाला था उससे भी 840 आया और इससे भी 840 आया। अब ये हमें एग्जाम में कब लगाना है, जब वे पूछे कि अंतिम वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो दोस्तों अंतिम वर्ष का ब्याज 440 होगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो फ्रैक्शन से तो वहाँ पर आंसर नहीं आएगा, इससे आप आसानी से कर सकते हो। तीन वर्ष का, चार वर्ष का, पाँच वर्ष का ब्याज आप निकालते जाएंगे और आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ये ट्री मेथड बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों ये फ्रैक्शन मेथड बताया मैंने, वो आदि मेथड तो कवर करता है, उसमें हमारा क्या हो गया परसेंट होगा, लाभ हानि हो गया और हमारा वर्क एंड टाइम हो गया। ये वाला मेथड लगभग 50% क्वेश्चन को कवर करेगा। रेशियो मेथड देखते हैं। तो दोस्तों पहले रेशियो मेथड को समझने से पहले हमें रेशियो को समझना होगा। रेशियो क्या है दोस्तों, रेशियो रटना नहीं है, बच्चे रेशियो रटते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि रेशियो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों रेशियो देखते हैं। स्टार्टिंग हमारी 2 वर्ष होती है, क्योंकि 1 वर्ष का तो हमारा साधारण ब्याज होता है, ठीक है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होगी तो 1 से अधिक वर्ष होते हैं, तो 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष 2:1। अब दोस्तों आपको रटना नहीं है, करना क्या है आपको, बस इतना ही पता है, 2:1 इतना पता है तो आपको रेशियो पता है। चलते हैं 3 वर्ष पे। 3 वर्ष का क्या होगा, 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपको उनको ऐड कर देना, कितना, 3:1, और लास्ट वाला आपको अंक लिख देना है। ये आपका 3 वर्ष का रेशियो आ गया। अब देखना है 4 वर्ष का, सेम कंडीशन आप करते जाएंगे, 4 के बाद कितना है, 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। और दोस्तों अंदर वाले अंकों को जोड़ के अनुपात में लिख दीजिएगा, 3 और 3 6 हो गया, और 3 और 1 4 होगा, और लास्ट में 1 अंक। ये क्रम आगे जारी रहेगा, आप 3 4 5 कहीं तक भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 4 वर्षों से ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि यार अब तक की एग्ज़ाम में 4 वर्षों से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है, और अधिक से अधिक 2 और 3 पर ही क्वेश्चन होता है, और पॉइंटों में कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों आपकी कैलकुलेशन भी मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी बीट कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो देख लेते हैं, 5 वर्ष करना कुछ नहीं है, 4 के बाद 5 आएगा, और लास्ट वाले अंक को अनुपात में जोड़ कर लिख देना है, अनुपात 4 और 6 10 हो गया, अनुपात 6 और 4 10 हो गया अनुपात, और 4 और 1 5 हो गया, और लास्ट वाला 1 लिख देना है। ये क्रम आपको चलते रहेगा दोस्तों। 5 वर्ष एक काफ़ी सफिशेंट है आपके लिए, और आप निकालना चाहते हो तो आसानी से आगे इसी क्रम में निकाल सकते हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों पर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्रम रटने जुटनी है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना नॉर्मली बच्चों को पता होगा 2:1 होता है। देखते हैं 4 वर्षों पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए चलते हैं, 2 मेथड हमने कवर कर लिए हैं, तीसरे मेथड हमारा रेशियो मेथड। तो देख लेते हैं 400 का 2 वर्ष का पूछा है, तो अनुपात लिखेंगे 2:1, 2:1 लिखा हमने, जितना वर्ष का पूछे और आपको रेशियो पता होगा आप आसानी लिख सकते हैं। तो 4000 का कितना निकालना है, 10% निकाल दो, काट दीजिए, 0 0 कितना आ गया, 400 आ गया। अब करना क्या है, जितनी वर्ष पूछे उतना आपको निकालना है ब्याज ब्याज। अब ये 4000 का निकाला, अब हमें 400 को निकालना है, निकाल दीजिए 400 का 1/10, 1 0 0 कितना आ गया, 40। अब जो ब्याज आया है इस रेशियो के ऊपर इसका रख देना है, इसे 400 और 40। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, जब भी आप रखो तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, कितना हो गया इसका 40 हो गया, और इसका कितना हो गया 800 हो गया, और इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 840। दोस्तों तीनों मेथड्स हमारे बहुत ही शानदार मेथड हैं, और ये एग्ज़ाम आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और CI की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, केवल ये मेथड आपको पर हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों को, 1 से अधिक क्वेश्चन लगाना दोस्तों। और इस तरह की और मज़ेदार ट्रिक और इसके CI के बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।